शराब व्यवसायियों में आज समझ सकते की स्थिति बनी हुई है। कोई हड़ताल करने का मन बना रहा है तो कोई अपने आवंटन को सरेंडर करने की सोच रहा है। कारण सिर्फ यही है कि सरकार द्वारा ठोस रणनीति नहीं बनाई जा रही जिससे लॉकडाउन में शराब व्यापारी घाटे से उभर सके। वहीं अधिभार की राशि व्यापारी पहले सरकारी खातों में जमा करा चुका है और उसकी एवज में व्यापारियों को अभी मार्च के 9 दिन का हिसाब भी सरकार नहीं दे पा रही। ऐसे में जहां शराब की खरीद कम हो रही है वहीं लाखों रुपए का कर्ज व्यापारियों के सर पर है जिससे उभरने के संकेत भी अभी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में व्यापारी लाखों का नुकसान सहते हुए दुकानें सरेंडर करने को मजबूर हो रहा है। फरार शराब व्यापारियों ने 15 मई तक का समय देकर सरकार को चेतावनी दी है कि शराब की रणनीति यदि नहीं बनाई जाती तो व्यापारी दुकानों का संचालन बंद कर देंगे। यही नहीं कई दुकानदार तो अपने आवंटन को सरेंडर तक करने को मजबूर हो रहे हैं कि सरकार समय रहते भी कोई ठोस निर्णय नहीं लेती तो दुकानदारों के साथ को भी भारी राजस्व का नुकसान सहना पड़ेगा। टैक्स पे जो हमसे टैक्स लिया जा रहा है वो टैक्स हमारा एडवांस जमा होकर हम परमिट कटवाएंगे और उससे हमारी बिक्री नहीं हो पाएगी। लॉकडाउन का समय कम है, जो लॉकडाउन दिया गया है लॉकडाउन की हमें ये नहीं पता कि लॉकडाउन कब तक खुलेगा। बाहर से कोई टूरिज्म नहीं आने वाला है, शादियाँ ब्याह नहीं होने वाले हैं, मंगल कोई कार्य नहीं होने वाला है और जो हमारे पे राजस्व है उस राजस्व की हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सरकार से आज हमने ज्ञापन दिया है, अपने DO साहब को ज्ञापन दिया है, ADM साहब को ज्ञापन दे के आए हैं। हमारा मेन उनसे कहना यही है कि आप हमें अधिभार में छूट दी जाए। हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम सरकार से विरोध नहीं कर रहे। हमारा कहना सरकार से ये है कि हमें आप छूट दो जो हम अधिभार जमा करें जिससे हम आगे व्यापार अपना कर सकें। हमारा हमने व्यापार जब लिया था जब ये समस्याएं नहीं थी और कोई भी हमसे ये नहीं कहा गया था कि हमारे पे टैक्स लगाया जाएगा। एडवांस टैक्स दे के आने के बाद तब हम लोगों को परमिट मिलेगा उस माल को हम आगे कैसे बेचेंगे। और देसी में 63 रुपये की MRP है, 70 रुपये में पौवा देसी का नहीं बिकेगा। आगे की कोई रणनीति नहीं बन पा रही, मतलब कोई सरकार का फैसला नहीं आता। अभी सरकार ने सिर्फ 4 तारीख को एक आदेश करा था कि आप लोगों को दुकानें खोलनी है, उस आदेश का हम लोगों ने पालन करा। लगातार हम लोग DO ऑफिस पे ADM साहब को भी हमने कल अपना ज्ञापन सौंपा था, अपनी परेशानियाँ बताई थी। अभी उस परेशानियों पर कोई भी जो है निर्णय नहीं लिया गया है, ना ही संज्ञान में हमारे आया है। फिलहाल अभी हमारी एक ही रणनीति है कि 15 तारीख से हम सारे शराब कारोबार हड़ताल पर जाएंगे। उससे पहले कोई सरकार का अगर फैसला हमारे हित में आता है तो उस पर विचार करेंगे। असल में सरकार ने अनावश्यक तो नहीं कहा जाएगा कि राजस्व थोपा जाएगा, लेकिन 19 मार्च को जिन पॉलिसी को लेके, गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेके ठेकेदारों के द्वारा दुकान ली गई थी, 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया। अब जैसे अप्रैल के अंदर सबसे ज़्यादा 30-40% काम हमारे द्वारा अप्रैल माह में किया जाता है, सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं, टूरिस्ट आता है, माहौल अच्छा होता है, बिक्री खूब अच्छी होती है, फसल कटती है, किसान पे भी पैसा होता है, लेकिन वो लॉकडाउन में वो हमारा जो मेन टाइम था वो समाप्त हो गया। और 10 दिन पहले चूंकि दुकान बंद हो गई थी 22 मार्च को, 22 मार्च से 31 मार्च तक गवर्नमेंट को हम एडवांस चूंकि मार्च का दे देते हैं, वो पैसा हमारा वापसी आना होता है जिससे हमारे बैंक की CC रिन्यूअल्स होती हैं। बैंक ने हमारी सब जितनी भी CC और लोन अकाउंट थे सब सीज कर दिए चूँकि हम उनके पैसे टाइम से जमा नहीं कर पाए, पैसे की समस्या यहाँ आई। अब सरकार ने उस 10 दिन का भी कोई अभी तक रिलीफ देने का अभी तक कोई वायदा भी नहीं करा है और उन लाखों करोड़ों रुपये के स्टॉक का हमारा क्या किया गया है इसका भी जवाब अभी तक हमें नहीं दिया जा रहा है। और आगे दुकानों की स्थिति ये है कि जैसे UP है या दूसरे राज्य हैं वहाँ पे राजस्व लिमिटेड है, वहाँ पे सिस्टम जितनी आप बिक्री करेंगे उतना सरकार को राजस्व देंगे। हमारे यहाँ इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि कोई दुकान 50 लाख रुपये वहाँ की है तो 50 लाख रुपये देने ही देने, लेकिन आज की स्थिति ये है पॉलिसी में इन्होंने कहा था सुबह 10 से रात 11 बजे तक दुकान खुलेंगी। अब पॉलिसी इनका वर्तमान में वर्चस्व में ही नहीं है, दुकान 7 से 12, 4 बजे तक खोल दी गई है। 12 से 4 इतनी गर्मी में कहाँ बिक्री है, देसी की दुकानों पे बिक्री नहीं है, श्रमिक नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, ई रिक्शा बंद हैं, टेम्पू बंद हैं, आदमी पर खाने के लिए पैसा नहीं है, शराब के लिए कहाँ से। तो सरकार को सोचना चाहिए, कुछ राजस्व कम करना चाहिए और इस राजस्व में मुझे नहीं लगता कि सारे ठेकेदार दुकानें चला पाएंगे। अब नहीं तो कुछ समय बाद सारी दुकानें एक एक करके बंद हो जाएंगी। आज काशीपुर क्षेत्र की मैं मानूँ तो कम से कम 6 से 7 दुकानें ऐसी हैं जो 1 या 2 दिन में सरेंडर हो जाएंगी। तो इस पर ये जो भी मामला शासन स्तर का मामला है, ठीक है, शासन में अपनी बात रखें, शासन का जैसा भी निर्णय होगा उस हिसाब से। ऐसा तो समय पर कोई सूचना है नहीं, ऐसा कोई सूचना है नहीं सेल डाउन के तो हमारे पास सूचना होगा। उस समय लोगों ने पता नहीं क्या सोचा, उसके बाद उन लोगों सेल उस समय बढ़ी है तो उस समय थोड़ी कम होने की बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ फर्क है नहीं। देखो जो भी अधिभार का निर्णय है या शराब संबंधित जो भी निर्णय है उसमें शासन स्तर से निर्णय होना है, जिला स्तर से कोई निर्णय नहीं।